हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड को कम शब्दों में अगर समराइज करें तो सो कॉल्ड करंट नीति के ऊपर भारी पड़ गई है। विशाल कोटियन की चाणक्य नीति, शम्मो बनने चली थी संचालक, बन के रह गई प्यादा। अकल है बिल्कुल जीरो, लेकिन घमंड है हद से ज्यादा। उमर को आया गुस्सा जो था थोड़ा जायज, और वहीं ईशान को लगने लग गई है मायशा की हरकतें और बातें बेहद ही नाजायज। करण और जय की दोस्ती में पड़ रही है दरार, और इस दरार के ऊपर ही तो होगी टीआरपी सवार। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि तेजू हमको पकाती रहती है बोल बोल के बिग बॉस को, बेबी बेबी बेबी। और प्यारे बिग बॉस, घर के अंदर राशन भर भर के भेज दो, अदरवाइज अफसाना फिर से तेल पी लेगी। सो इस एपिसोड में आपने देख लिया शम्मो का बेहद ही घटिया और एकदम बायस्ड वाला संचालन, जहां वो मतलब जिस तरह से विशाल ने मैनिपुलेट करा है, और वो टास्क के स्टार्ट से ही बाकी लोगों को कम गन्ने दे रही थी। अगर जिन लोगों को कम गन्ने मिले हैं वो चुरा रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, फिजिकल हो रहे हैं, काफी ज्यादा इंजरीज हो रही है। गन्ने की चलन की जो जूस जो निकालने की मशीन है उससे लोगों को इंजरी हो रही है। इस एपिसोड में ईशान ने साबित कर दिया कि वो एक नंबर का पागल सांड है, और एकदम डायरेक्शन लेस सांड है वो। कहीं भी जैसे पागल हाथी होते ना, बिल्कुल उस तरह से ईशान बिहेव कर रहा था। और सिम्बा नागपाल जो कि बहुत क्यूट बन रहे थे, इस एपिसोड में जहरीला सांप है। और ये टाइम एंड अगेन आई थिंक मायशा ने भी और ईशान ने भी आसिम को ड्रैग करा था, यहां पर अगेन सिम्बा ने आसिम को ड्रैग कर लिया है। और कहीं ना कहीं बाहर की बातें घर के अंदर लाई जा रही है। इस तरीके से सिम्बा ने यहां आसिम को बार बार ड्रैग करा, और उमर को यह बोला कि तू अपने भाई की फैन फॉलोइंग के ऊपर उड़ रहा है, क्या सिम्बा के बम में दम होगा? वो शमिता शेट्टी को ऐसा बोल के दिखा दे कि तुम अपनी बहन की वजह से इंडस्ट्री में टिको हो, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। क्या सिम्बा, क्या ईशान, क्या मायशा, इनके बम में या इनके परिवार में दम होगा? जो शमिता शेट्टी के मुंह पर बोल के दिखा दे कि तुम बिग बॉस में तीसरी बार आई हो अपनी बहन के दम पर, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। क्या इन लोगों में इतनी दम है कि ये शमिता शेट्टी से ऐसा बोल पाए? उमर को तो इन लोगों ने बहुत बोल दिया। एंड मैं डेस्परेटली वेट करना चाहूंगा वीकेंड का, देखना चाहूंगा कि सलमान खान इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं नहीं, क्योंकि देखा जाए तो जब आप बाहर की बात तभी लाओगे जब आपको किसी के गेम में कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही है, आपको कोई दिखाई दे नहीं रही कि उसके अंदर कुछ कमी है, तो आप बाहर की बातों से कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। सलमान क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे वीकेंड का वार में, अगर उनका मन होगा वो मुद्दा हाईलाइट करना चाहेंगे तो, अदरवाइज कोई एक मुद्दा पकड़ कर पूरा एपिसोड उसके ऊपर निकाला जा सकता है वीकेंड का। एनीवे, इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट है विशाल कोटियान की चाणक्य नीति, और उसने सो कॉल्ड करण नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं, और किस कदर वो शमिता को इजीली मैनिपुलेट कर गया। पहले अक्का अक्का बोलकर उसने बहुत बढ़िया तरीके से यहां विशाल कोटियान ने अपने जो पत्ते हैं जो पासे वो फेंके, और शमिता उसके जाल में आ गई है। और जाल में तो मायशा ने ईशान को भी फंसा लिया है। इस एपिसोड में हमें पता चल रहा है कि जैसे उमर ने कहा था ईशान को कि वो बहुत घटिया गेम खेल रही है, हमने देखा भी कि ये बात कर रहा था प्रतीक मायशा से कि मेरे से इतनी अच्छी अच्छी बातें मत कर। हमें पता चलता है कि मायशा के पेरेंट्स नहीं है तो उसके ड्रेस कपड़े वगैरह बाहर से कोई भेजने वाला नहीं है। रियली सच्ची बाहर कोई भी नहीं है, तो एमटीवी लव स्कूल और तमाम जो शो कर चुकी हैं एस ऑफ स्पेस, उसके अंदर भी तो घर के अंदर रहती थी, तब क्या आसमान से भगवान ला के फेंकते थे क्या कपड़े या डिजाइनर ज्वेलरी या फिर शूज वगैरह? तो यहाँ ये प्रतीक जो है वो साबित करा कि क्यों वो एक नल्ला एक्टर है, और किस तरह से ये बाहर से मायशा से सेटिंग करके आया है, जो कि ईशान को अब आज के एपिसोड और कल के एपिसोड में और पता चलेगा जब ये मायशा भर भर के गालियां देगी। एंड ये पागल हो चुका है ईशान, प्यार में इतना पागल हो चुका, अपनी बहन की कसम खा रहा था, और मायशा जैसी लड़कियों के सामने भाई कसम है, वादे, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ऐसी लड़की किसी को भी बेच खाएंगी, शो के लिए कुछ भी कर लेंगी, और तू ऐसी लड़कियों के पीछे पागल हुआ जा रहा है, थोड़ी तो अक्ल ले आ ये ईशान। अब अक्ल होती तो ये तीन दिन में प्यार और चौथे दिन में ब्रेकअप जैसी यहाँ पर हरकतें नहीं करता। हमें पता चलता है कि उमर ने मायशा के साथ बाहर से लव एंगल प्लान किया था, ये बात अगर सच है तो भाई बहुत ही घटिया बात है, इसके ऊपर सलमान खान डेफिनेटली सवाल जवाब करना चाहिए, क्योंकि ये बात यहां पर ईशान ने ये बात की है। अब बाहर से चीजें प्लान होकर डेफिनेटली आई हैं, तो यहां अगर ईशान कह रहा है उसके बाद में कितना दम है कितना दम नहीं है, ये बात तो सलमान खान को वीकेंड का बार में क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिग बॉस में बाहर से प्लान करके आते हैं, जैसे प्रतीक और दिव्या की फाइट या फिर विकास गुप्ता या अर्शी की फाइट, और यहां हमने देखा पहले दिन मायशा और ये प्रतीक जो है वो लड़ पड़ते हैं। इस एपिसोड में प्रतीक शमिता को कहता भी है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन जब पहला दिन था तो ये तीन साल से बात नहीं की, ये तो मतलब चल क्या रहा है। ये सारी बातें अगर सलमान खान के पास वक्त होगा
तो उन्हें हाईलाइट करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गेम की छवि खराब करती है। क्योंकि कंटेस्टेंट को अगर बाहर से पहले से पता है कि ये लोग जाने वाले हैं, दैट मीन्स आप ऑडिशन रखे, आपने दुनिया भर में इतनी पब्लिसिटी करी, वो तो वेस्ट है ना। पब्लिक को मतलब इंगेज करके चूतिया बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, और आप अपने जो जिनको लाना चाहते थे उनको अपने साल भर 6 महीने पहले तैयार कर दिया, स्ट्रेटेजी प्लान करने में वो लोग लग गए। तो इस तरह की बातें बार बार एक्सपोज कर देती हैं बिग बॉस की गेम को, कि बाहर से कंटेस्टेंट को पहले से पता रहता है, सारी फाइट वो प्लान करके आते हैं, उन्हें पता रहता है कि लव एंगल करना है, ये फाइट करेंगे वो फाइट करेंगे। तो ये चीजें तो सरासर साबित करती है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। और फिर सलमान खान आके बोल देते नहीं नहीं यहाँ कुछ भी चीजें पहले से प्लान नहीं होती हैं, सब कुछ रियल होता है। वैसे यहाँ पर जो कल शमिता ने मायशा के शूज या चप्पल डिस्ट्रॉय करा था तो भारी गिल्ट में थी। एनीवे यहाँ पर प्रतीक को निशांत को पता चलता कि जंगलवासी जो है वो सारी खीर चुरा के खा गए, वो विशाल कोटियन जो कि कल के एपिसोड में डोनल के लिए बोल रहा था कि देखो मुख्य घर में चली जाती है, रूल तोड़ रही है, वो खाना वगैरह खा रही है, भाई किसी के और के हक का नहीं खाना चाहिए। लेकिन यही विशाल कोटियन फ्रिज से कुछ निकाल कर ले आता, फिर बोलता सॉरी बिग बॉस पेट खराब है तो लाना पड़ा। वहीं जय और करण की बातचीत होती है, जय खुल्लम खुल्ला बोल देता है कि अगर उसको इस लेवल पर लाया जाएगा तो वो फिर गाली देगा, और जय बार बार कह रहा है कि उसने माँ की गाली नहीं दी। यहाँ करण और विशाल उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू बड़ा सेलिब्रिटी है, बिहेव योरसेल्फ, तू थोड़ा बड़प्पन दिखा ले। तो यहाँ पर ये जो मेकर्स ने जो प्रोमो रन करे थे कि जय और करण की दोस्ती में पड़ रही है दरार, आप ये प्रोमो देखें, जैसे बिग बॉस 13 में एक अलग प्रोमो लगाया गया था, बिग बॉस 14 में दो दोस्तों में दरार, ऐसे ये जो प्रोमो ये बार बार जो बिजली कड़कती है दोनों दोस्तों के बीच में दरार पड़ती है, चाहे बिग बॉस 13 हो 14 हो, और यहाँ दूसरे ही वीक में दो, अरे ऐसी कौन सी बहुत जबरदस्त दोस्ती थी। हम इस एपिसोड में देख चुके हैं कि जब बारी अपने पर आती तो कोई किसी का दोस्त नहीं है। रात में तेजा और विशाल मिलकर मैप बनाते हैं, अगली ही मॉर्निंग में विशाल ओपनली बोल देता है शमिता को कि अगर मैं तुम्हारी साइड आया तो घर वाले मैप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सारा मैप मैं और तेजा मिलकर ही बना रहे, तेजा मैं हूं मार्क इधर है। वहीं टुवर्ड्स एंड ऑफ द एपिसोड करण गुंद्रा को जब ये निशांत बोल देता है कि यार विशाल ने ऐसा ऐसा बोला, तो फिर करण के गुर्दे भी छिल जाते कि यार मैंने गेम बड़ी लॉयल्टी के साथ खेला, सबको साथ लेकर चला, जो कि सरासर झूठ है। अब देखिए साहब, जैसे करण ने निशांत के सामने बोल रहा था कि यार मैंने गेम बड़ी लॉयल्टी के साथ खेला है, ये तो विशाल बहुत गलत कर रहा है, लेकिन करण अगर तुम जीतते ना तो तुम भी यही करते, तुम भी घर वालों का जो मैप बनाने का मिशन है उसको तुम फेल ही करते, क्योंकि मुख्य घर में जाओगे तो मुख्य घर वालों का एक ही एजेंडा होता है कि कैसे भी करके जंगल वासियों के कार्य में बाधा उत्पन्न की जाए। तो चाहे तुम होते, चाहे विशाल या फिर जय या ईशान या उमर, कोई भी जाता घर के अंदर मुख्य घर का सदस्य बनके, तो उसका सबसे पहला फर्ज यही होता है कि कैसे भी करो जंगल वासियों को मैप इकट्ठा करने और बनाने से रोको। हालांकि लाइव फीड से तो पता चल चुका है टीम टाइगर जिसमें है जय विशाल तेजा, ये लोग मुख्य घर का सदस्य बन चुके हैं थैंक्स टू द एक्सट्रीमली घटिया संचालन ऑफ शमिता शेट्टी। इन्होंने टास्क की शुरुआत से ही विशाल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया था, विशाल ने तो डे वन से अपने पासे फेंकना शुरू कर दिए थे अक्का अक्का बोलकर, क्या हुक्म है मेरे अक्का मोड में शमिता शेट्टी चली गई, वो गन्ने भी ज्यादा ज्यादा दे रही थी इनको और अपने हिसाब से रूल बना रही थी। तो आप किसी को गन्ने ज्यादा दे रही हो, किसी को गन्ने कम दे रही हो, अपने अपने हिसाब से रूल बना रही हो, तो कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी को दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद अपनी गिरिमा में देख लेना चाहिए झांक कर कि क्या वो फेयर तरीके से खेल रही हैं, वो खुद बायस्ड हो रही हैं। जब ऐसे संचालक आप पूरी तरह से बायस्ड हो, अपनी मन मर्जी से रूल्स बना रही हो, किसी एक टीम को ओपन सपोर्ट कर रही हो, तो सामने वाली टीम तो फिर करेगी ना जीतने के लिए कोशिश, उसे पता है कि उनको गन्ने कम मिल रहे हैं, उनके जो जूस वगैरह जो निकाला जा रहा है वो फेंका जा रहा है। इधर टीम टाइगर और डियर दोनों मिलकर टीम पौधा जो है ये करण और उमर की टीम इसको टारगेट करेंगे, जब दो टीमें मिलकर एक टीम पर अटैक करेंगी तो ऑब्वियसली एक टीम तो हार ही जाएगी, तो फिर जो हार रहा है फिर वो तो कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाले मोड में चला ही जाएगा, जो कि हमने आज भी देखा और हम कल भी देखेंगे। और सिम्बा तो भाई अलग ही लेवल पर एकदम घटिया, जितना वो अच्छा और क्यूट दिख रहा था उसने एक ही एपिसोड में अपनी इज्जत का फालूदा बना के रख दिया है। और ईशान जिसके थोड़े गुर्दे आज छिल गए जब उसे पता चला कि भाई रात में प्रतीक से ये बात करने जाती है और कल जब ये गाली गलौज वगैरह देगी तब तो इसके गुर्दे और ज्यादा छिल जाएंगे, और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ईशान को ओपनली ये पता चलेगा कि प्रतीक और मायशा बाहर से हनी ट्रैप का पूरा एक जाल बिछा के आए थे, तब देखना चाहूंगा कि ईशान जो कि आज बहन की कसम खा रहा था सच्चा प्यार, ये प्यार रियलिटी शो का प्यार कोई सच्चा नहीं होता, हार्डली कोई इक्का दुक्का लोग है जो रियल लाइफ में आगे चलकर कपल बन पाए, अदरवाइज हमने देखा ही है कि बिग बॉस 7 में गौहर और कुशल शादी की बातें कर रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, शो खत्म, सब खत्म, डाइंड्रा गौतम बड़ी बड़ी वो
और वॉशरूम कांड तक हो गया था, आपने देखा ही है सब, तो ज़्यादा उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा। सबको पता है कि यहाँ रियलिटी शो में लोग कितने फेक होते हैं, शो में टिकने के लिए, दिखने के लिए, फुटेज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड मायशा इज दैट सच गर्ल जो कंटेंट के लिए अपने मरे हुए माँ बाप का नाम लेकर सिंपति भी ले सकती है, प्रतीक के साथ रात में सीक्रेट मिशन की बातें भी करती है, वहीं ईशान जैसा पागल उसकी चपेट में आ गया तो उसको कुचल कर आगे निकल जाएगी और ईशान के गुर्दे छिल जाएंगे, तब उसका चेहरा देखने का मेरा बड़ा मन उत्सुक है। तो भाई साहब ये है इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लबो लुबाब, जहां पर करण नीति के ऊपर चाणक्य नीति भारी पड़ गई है, शमिता शेट्टी का ऑब्वियसली दोगलापन और उसका एकदम घटिया संचालन, इसके ऊपर सलमान खान क्या बोलेंगे वीकेंड पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जय ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं कि भाई उसने माँ की गाली नहीं दी थी, उसे पता है कि उसकी लिमिट्स क्या है, जय ने गाली दी ये तो खैर गलत है, लेकिन क्या प्रतीक दूध का धुला है? मैंने ऑलरेडी एक ट्वीट शेयर करा जहां बिग बॉस OTT में प्रतीक ने जीशान को बहन की गाली दी थी, जो खुद गाली नहीं सुन सकता, हमने पिछले वीकेंड ही देखा था जब उसने कहा था कि गेम के लिए उसकी माँ या बहन बाथरूम होती तब भी वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ने चला जाता। तो गेम के लिए प्रतीक कुछ भी कर सकता है, कंटेंट के लिए प्रतीक कुछ भी कर सकता है, और कल उसने विक्टिम कार्ड खेल लिया और देखना चाहूंगा कि सलमान खान वीकेंड पर क्या बोलते हैं। हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वीकेंड की स्क्रिप्ट ऑलरेडी डाल दी है, आपने देखी ली होगी, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से रात में जब ये शमिता बैठी थी और सिम्बा और ये ईशान वगैरह सब आके, उमर भी खड़ा था, सब कह रहे थे कि नहीं 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 प्रतीक नहीं आया था जय के पास, जबकि हमने जो देखा है प्रतीक, देखिए लगी थी शमिता को, लेकिन प्रतीक क्यों सस्ता वकील बनकर जानबूझकर वो जैसे भिड़ने आया था, आप वो एपिसोड अगर देखेंगे आपको पता चल जाएगा, वो जानबूझकर आया था जैसे भिड़ने ताकि जय गाली दे और उसके बाद प्रतीक विक्टिम कार्ड खेल ले, यही चीज वीकेंड पर सलमान खान डेफिनेटली बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और करना सब्सक्राइब DSK Talks को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।